अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अहमद शहजाद एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज। तो जी व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं प्रीसिंक्ट 8 में और यहाँ पर हम एक हाउस टूर शुरू करने वाले हैं। इसकी प्रीसिंक्ट की लोकेशन के बारे में आगाह करना चाहूँगा। तो जी व्यूअर्स, हम मौजूद हैं प्रीसिंक्ट 8 में। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम द मेन गेट, सो इसका डिस्टेंस है अराउंड अबाउट 5 to 7 मिनट्स अवे फ्रॉम द मेन गेट। और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये बहरिया टाउन का हार्ट है। दिस प्रीसिंक्ट इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ बहरिया टाउन। वो क्यों है जी? उसकी रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसकी रीज़न में सबसे पहले जो हमारे पास बड़ी रीज़न आ जाती है, इट्स नियर टू मिडवे, प्रीसिंक्ट 6, बहरिया हाइट्स एंड आवर हिल्स। अगर हम बात करें इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में, तो इसके बिल्कुल सामने जी हमें बहरिया हाइट्स मिल जाती हैं, जिनके अंदर कमर्शियल शॉप्स बिल्कुल रेडी हैं। 3 टावर्स का पोजीशन मिल चुका है और बाकी टावर्स का भी पोजीशन जल्द मिलने वाला है बहरिया की तरफ से। तो आपको किसी भी किस्म का इशू नहीं होगा। इफ़ यू आर वंडरिंग कि आपको बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उसका आपको कोई इशू नहीं होगा। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, हम अपना हाउस टूर स्टार्ट करते हैं। तो हाउस के अंदर एंटर होने से पहले ही आपको एक्सटीरियर गार्डन मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी प्लांटेशन की गई है। अगर मैं यहाँ बात करूँ मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेशियस कार पोर्च मिल जाता है, जिसके अंदर आप बहुत इजीली एक एसयूवी या मिड साइज़ 2 सेडान कार्स बाहर पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, हम हाउस के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो हाउस के अंदर एंटर होते साथ ही आपको यहाँ पर जो इसका गैरेज है उसके अंदर इजीली 2 सेडान कार्स पार्क करने की स्पेस मिल जाती है। इसी के साथ साथ जो इसका गैलरी एरिया है बिल्कुल राइट साइड के ऊपर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर अच्छी प्लांटेशन की गई है, जो कि एस्थेटिक लुक देती है एंड इट फील्स लवली। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं इसके पैसेज एरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड की तरफ इसका पैसेज एरिया दे दिया गया है, जो कि काफ़ी वाइड और ओपन है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसके सर्वेंट रूम के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा घर होगा तो यू नीड अ सर्वेंट। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका सर्वेंट क्वार्टर है ऊपर, और यही स्टेयर्स लीव करती हैं टू द रूफ टॉप, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सर्वेंट वॉशरूम। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो इसी पैसेज एरिया से आपको इसका बहुत ही वसी और खुला वॉशिंग एरिया मिलता है। तो हम चलते हैं जी इसके वॉशिंग एरिया की तरफ, मैं आपको उसका भी जल्दी से टूर करवाता चलूं। तो जी व्यूअर्स, ये है इसका वॉशिंग एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट्स क्वाइट स्पेशियस, और यहाँ पर आप ईजीली अपने सारा लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, अब हम चलते हैं विदाउट इन वेस्टिंग एनी टाइम हाउस के अंदर। जी व्यूअर्स, ये आ गए हैं हम मेन एंट्रेंस की तरफ। व्यूअर्स, एंटर होने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देख रहे हैं, प्योर सॉलिड वुड। तो जी व्यूअर्स, एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है हमारा 8 फुट का सॉलिड वुड डोर। इसी के साथ साथ जब हम एंटर होते हैं तो यू आर वेलकम बाय अ वार्म्ड एम्बियंट लाइटिंग। वार्म लाइटिंग है, वेलकमिंग हाउस है। इसी के साथ साथ ऑन माय लेफ्ट साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पाउडर रूम है, जिसके अंदर एक वॉल हैंगिंग कंबोर्ड और उसके साथ साथ वैनिटी सेटअप दिया गया है। यहाँ से आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं कि दिस इज़ द ड्राइंग रूम। एंटर होते साथ ही आपको नज़र आएगा इट्स क्वाइट स्पेशियस, और जस्ट लुक एट द कलर स्कीम हेयर। यहाँ पर बहुत ही जैसे कहें मिनिमल वाइट लुक में इसको रखा गया है, जिसी के साथ साथ हमें इसकी मास्टर की टाइल्स मिल जाती हैं, जिनको बहुत ही आप कह लें कि लाइट एंड स्वीट कलर में रखा गया है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, जस्ट लुक एट द रूफ, जस्ट लुक एट इट। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर्स हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को आरास्ता करते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ साथ एक दफ़ा इसका अच्छा सा लुक ले लें, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके मेन लिविंग एरिया की तरफ। तो व्यूअर्स, मेन ड्राइंग रूम से एग्जिट होने के बाद हम इसके मेन लिविंग एरिया में एंटर हो जाते हैं, और मेन लिविंग एरिया में एंटर होने के बाद आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट स्पेशियस, और यहाँ पर आ जाता है इसका आप कह लें कि मून रूफ, विच इज़ जस्ट फिनोमिनल फॉर स्टार गेजिंग। जस्ट लुक एट इट, यहाँ से आप देखें कि खूबसूरत आपको दिन के टाइम भी रोशनी मिल सकती है, और नाइट को तो आप यहाँ पर स्टार गेजिंग कर ही सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप बहुत आराम से ग्लास पैनलिंग करके इसको फॉर डेकोरेशन पर्पसेस या प्लांट पर्पसेस यहाँ पर आप प्लांट लाइफ लगा सकते हैं। इससे घर की एम्बियंस
जो आप कह सकते हैं कि बहुत अमेरिकन लुक देती है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स हम इसकी बात कर लेते हैं जो कि इसकी मेन सेकंड मेन अट्रैक्शन आप कह लें, दिस मीडिया वॉल। जस्ट लुक एट इट साइज, यहाँ पर आप इजीली 70-80 inch की LED इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ थोड़ा बहुत ब्लैकआउट करके यू कैन मेक इट योर ओन मूवी थिएटर हेयर। इसी के साथ साथ मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो लुक एट इट, पूरे घर में प्योर वुड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है व्यूअर्स। इसी के साथ साथ हम चलते हैं इसके अमेरिकन स्टाइल किचन के अंदर। तो जी व्यूअर्स, ये मैं एंटर हो चुका हूँ इसके अमेरिकन स्टाइल किचन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरियन का काउंटर टॉप और इसी के साथ साथ बहुत मिनिमल और आई अपीलिंग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। जस्ट लुक एट इट टोन व्यूअर्स, यहाँ पर ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन किया गया है जो कि बहुत क्लासी और स्लीक लगता है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स ये देखें, आप देख रहे हैं प्रॉपर वेल थॉट और वेल डिज़ाइंड हाउस है, ठीक है। मॉडर्न आर्किटेक्चर इसमें बहुत आपको फूट फूट के नज़र आता है, देख रहे हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ ये ना समझें कि इसके अंदर शो ही मारी गई है, ये प्रैक्टिकल भी है। इस लुक एट इट साइज, प्रॉपर तरीके से सोच के इस घर को डिज़ाइन किया गया है एक प्रॉपर फैमिली के लिए। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, ये इसका छोटा सा किचनेट एरिया आ जाता है विच कैन बी यूज फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशंस, क्योंकि आपको पता है हमारे घर की खावातीन को किचन ही सबसे अट्रैक्ट करता है और उसमें जो है वो ये चीज़ें जो प्रिपरेशंस और छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वही मैटर करती हैं। तो व्यूअर्स, ये जी हमने इसका अमेरिकन स्टाइल किचन और लिविंग एरिया देख लिया है। इसी के साथ साथ अब हम एंटर हो जाते हैं इसके फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के रूम के अंदर। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर टोटल 5 bedrooms हैं जिसमें से हम फर्स्ट बेडरूम के अंदर भी एंटर होने लगे हैं। व्यूअर्स, आप अंदर एंटर होते साथ ही देख सकते हैं कि वेरी गुड स्पेस, इट हैज़ अ वेरी गुड स्पेस। और वही चीज़ जो कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, डिटेल्स एंड क्वालिटी, डिटेल्स एंड क्वालिटी। जस्ट लुक एट इट, सेम गुड ओल्ड वुड। और इसी के साथ साथ इसका अटैच वॉशरूम जिसके अंदर आप देख सकते हैं जी, ये देखें, ये हम एंटर हो गए हैं जी इसके वॉशरूम के अंदर। और यहाँ पर सेम आपको स्लीक और मिनिमल कलर्स के साथ जो कि आई अपीलिंग है, आपको इसका वैनिटी सेटअप, योर वॉल हैंगिंग कमबोर्ड और यहाँ पर सेपरेट आपको शॉवर एरिया मिल जाता है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूम की तरफ। यहाँ से एग्जिट होने के बाद जी व्यूअर्स, अब हम इसके आ जाते हैं सेकेंड रूम की तरफ जो कि बिल्कुल इसके साथ है। जो जी व्यूअर्स, ये आ गया जी ग्राउंड फ्लोर का सेकंड रूम। इस घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 2 bedrooms और ऊपर 3 bedrooms हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी व्यूअर्स, सेम गुड ओल्ड स्पेस, यहाँ पर स्पेस के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इट्स अ वेरी गुड एंड लग्जरी विला। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, अब हम एंटर हो जाते हैं इसके वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम में एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैनिटी सेटअप और वॉल हैंगिंग कंबोर्ड और सेपरेट शॉवर एरिया है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, अब मैं इसकी आपको कैबिनेट एरिया के बारे में दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आपको वुड और ग्लास के साथ, वुड बेस और ग्लास के साथ आपको खूबसूरत जो कि आई अपीलिंग आपको यहाँ पर क्लोजेट एरिया मिल जाता है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, आप इसको एक अच्छे से एक लुक देखें इसकी, जस्ट लुक एट इट, लुक एट इट। आपको जो ये वॉशरूम है ये पता चलता है कि यार किसी ने पैसे लगाकर डिज़ाइन किया है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, अब हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जी व्यूअर्स, यहाँ से ये आ गई जी इसकी स्टेयर केस। अब ये देखें व्यूअर्स, हैंगिंग स्टेयर केस है मेड अप ऑफ प्योर वुड एंड ग्लास। अब देखें व्यूअर्स, मैं आपको शुरू से यही बता रहा हूँ कि जो इसके अंदर आर्किटेक्चर है वो मॉडर्न क्यों है। आप देखें डिज़ाइन, आप चेक करें कि जस्ट लुक एट इट कि वेल थॉट वेल डिज़ाइंड हाउस है, जिसको सिर्फ ऐसे नहीं बनाया गया कि किसी ने रहने के पर्पज़ के लिए बनाया है और उसको कोशिश की है कि वो एज स्लीक एज मॉडर्न एज पॉसिबल कर सके इसे। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राउंड मैप एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वी कैन बी ऑन द सेम पेज। ये जी यहाँ से एंटर होते, स्टेयर्स के एंटर होते साथ ही यहाँ पर हमारे पास लिविंग एरिया आ जाता है जो कि ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का लिविंग टीवी लाउंज एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड की तरफ यहाँ पर इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। इसको आप किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इट्स क्वाइट स्पेशियस, स्पेस की कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई इस घर के अंदर। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, आप इसका एक अच्छा सा लुक लें, उसके बाद हम चलते हैं जी इसके थर्ड बेडरूम की तरफ जो कि स्टेयर केस से बिल्कुल जस्ट ऊपर आते ही फर्स्ट हैंड के ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ से। अब हम एंटर हो जाते हैं जी व्यूअर्स यहाँ पर थर्ड बेडरूम के अंदर।
देख सकते हैं व्यूअर्स, सेम गुड ऑल्ड स्पेस, मिनिमल कलर्स बट स्लीक। इसी के साथ साथ व्यूअर्स यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके अटैच वॉशरूम के अंदर। यहाँ पर चीज़ का अटैच वॉशरूम है, वॉल हैंगिंग कम बोर्ड, इट्स वैनिटी सेटअप, और उसके साथ साथ इसका सेपरेट शॉवर एरिया। सेपरेट शॉवर एरिया है, जैसा कि आपको सारे घर में नज़र आया है कि बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं कि स्लीक डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी किस्म की छोटी छोटी मुश्किलात ना आए। जैसा कि आप ज़्यादातर शॉवर करते हुए आपको यही इशू होता है कि यार पानी इधर तक आ गया उधर तक आ गया, तो छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल बहुत है इस घर के अंदर। इसी के साथ साथ व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ। बिल्कुल थर्ड बेडरूम से एग्जिट करने के बाद हमारे राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम, जो कि लिविंग एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। एंटर होते साथ ही यू कैन सी इट्स ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस। स्पेस की कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया इस घर के अंदर, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो से बताता आ रहा हूँ। स्पेस का यहाँ पर पूरा यूटिलाइजेशन किया गया है। 272 स्क्वायर यार्ड्स का व्यूअरशिप टोटल विला है, जिसके अंदर प्रॉपर स्पेस की यूटिलाइजेशन की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटैच वॉशरूम के एंटर होते साथ ही वी हैव आर वैनिटी सेटअप, आर वॉल हैंगिंग कंबोर्ड एंड अ सेपरेट शॉवर एरिया, जिसके साथ साथ यहाँ पर हमें वही जिस तरह आपको मैंने नीचे डिज़ाइन दिखाया था क्लोजेट एरिया का, कि वुड बेस और ग्लास के साथ हमें यहाँ पर इसका क्लोजेट एरिया मिल जाता है। यू कैन टेक अ लुक एंड विल गो टू द नेक्स्ट बेडरूम। इसके फोर्थ बेडरूम से एग्जिट हो गए हैं। एग्जिट होने के बाद हम वापस टीवी लाउंज एरिया से होते हुए इसके फिफ्थ बेडरूम की तरफ एंटर करेंगे। इसका फिफ्थ बेडरूम जो है वो बिल्कुल टेरेस एरिया के साथ है, जिसके अंदर अब हम एंटर होने लगे हैं। लुक लुक एट दिस स्पेस, वही सेम बात कि यहाँ पर स्पेस यूटिलाइजेशन इज टॉप नॉच विद अटेंशन टू डिटेल। यू कैन सी यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर बहुत अटेंशन दी गई है। आप ये जस्ट लैम्प देखें, जस्ट लुक एट इट, ये आपको बिल्कुल लगेगा कि यार मैं किसी अमेरिकन स्टाइल हॉलीवुड के घर में खड़ा हुआ हूँ, किसी मूवी के अंदर आया हुआ हूँ। इसी के साथ साथ जो इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है, और अटैच वॉशरूम में सेम हमारे पास जी व्यूअर्स वॉशरूम में एंटर होने के बाद हमारे पास सेम इसका वैनिटी सेटअप आ जाता है। इसके साथ साथ इसका वॉल हैंगिंग कंबोर्ड और सेपरेट शॉवर एरिया, और यहाँ पर वही जिस तरह मैंने आपको बाकी बेडरूम्स में भी दिखाया है कि इसका सेम जो है यहाँ पर हमारे पास ग्लास वुड बेस और ग्लास के साथ इसका क्लोजेट एरिया आ जाता है, जो कि बिल्कुल आपको पूरे घर में नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छे मटेरियल का इस घर में इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स हम अपने फिफ्थ बेडरूम से एग्जिट करते हैं। फिफ्थ बेडरूम से एग्जिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जी इसका टेरेस एरिया आ गया। यहाँ से अब हम टेरेस एरिया में एंटर होंगे। ये जी हम इसके टेरेस एरिया में आ गए। यू कैन सी इट्स ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस, और यहाँ पर जिस कलर टोन का इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डार्क है, बट इट्स लुकिंग गुड। यहाँ पर आप व्यूअर सोचें कि आप शाम के टाइम बैठ के चाय पी रहे हैं, हाउ गुड विल इट फील, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, जो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में आइडिया दे रहा था। ये जी इसकी लोकेशन है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था, इसके सामने बहरिया हाइट्स मौजूद है, जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि नीचे जो बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट की तरफ से नीचे कमर्शियल शॉप्स दी गई हैं, जिनके अंदर राउंड अबाउट सारी नेसेसिटीज़ मौजूद हैं, और उसके लिए आपको बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे एक तो नेसेसिटीज़ आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास मिडवे, प्रीसिंक्ट 6, हिल्स, इट्स द हार्ट ऑफ बहरिया टाउन। जो भी यहाँ घर लेगा उसको बेसिक नेसेसिटीज़ की तो कोई इशू नहीं होने वाली। जी व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमारा हाउस टूर ख़त्म होता है। अगर आप बहरिया टाउन कराची में किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारी बेहतरीन टीम्स आपकी एक कॉल की मुंतजर। With that being said, अपने होस्ट अहमद शहजाद को दीजिए इजाजत। I'll catch you in the next video.